तो नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सवालों के बारे में, क्योंकि आप में से बजरंग दल जुड़ने वाली वीडियो में लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि हम अगर बजरंग दल में जुड़ते हैं तो हमको कितना समय देना होगा बजरंग दल में। बजरंग दल में क्या आपको 24 घंटे काम करने पड़ेंगे, 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, या समय की कुछ पाबंदियां 10 से लेकर 5 बजे तक काम करने पड़ेंगे। इससे रिलेटेड आप में से बहुत से लोगों को डाउट है, लगातार कमेंट आ रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको आसान और सिंपल भाषा बताने वाले हैं कि आपको बजरंग दल में कितना समय देना होगा, क्या बजरंग दल में जुड़ने पर कोई पाबंदी है। इससे रिलेटेड पूरे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर किस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपने हमारी और तमाम प्रकार की वीडियो नहीं देखी है, चाहे वो एबीवीपी हो, आरएसएस हो और बजरंग दल हो, बीएचपी हो, इससे रिकॉर्डिंग आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए। उन तमाम प्रकार की वीडियो में इसी तरीके से ढेर सारे नॉलेज आपको मिल जाएंगे। आपकी सहूलियत की सुविधा के लिए आपकी जो लिंक है उन वीडियो की, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या तो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप आसानी से उन तमाम प्रकार की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक में कि क्या बजरंग दल में जुड़ने पे हमको कितना समय देना होगा, क्या बजरंग दल में जुड़ने पर कुछ पाबंदियां हैं समय की, या 10 से 5 बजे तक है। तो आपका डाउट जो है तमाम प्रकार का, तो उसका क्लियर करते सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आपको बजरंग दल में जब आप जुड़ते हैं तो आपको कोई पाबंदियां नहीं होती है, समय की कोई खास पाबंदी नहीं होती है कि आपको 10 से 5 बजे तक आपको काम करना ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप ड्यूटी करते हैं कि आपको 10 से 5 बजे तक ड्यूटी करनी ही करनी पड़ेगी, उस तरीके से बजरंग दल में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि आपको 10 से 5 बजे तक ड्यूटी करेंगे। अगर आप बजरंग दल में ही 10 से 5 बजे तक रह जाएंगे तो फिर अन्य काम आप कैसे कर पाएंगे, तो ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आपको कोई बता रहा है तो एक तरीके से अफवाह है। हाँ, एक पाबंदी है उसमें जरूर है, जिसको आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगा तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि समय की पाबंदी तो ऐसे नहीं है, हमने पूरा क्लियर कर दिया कि 10 से 5 बजे तक, 2 से 4 बजे तक ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ समय पे कुछ पाबंदियां होती हैं बजरंग दल में जिसको आपको थोड़ी सी समझ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बजरंग दल के द्वारा आप सभी जानते हैं कि प्रशिक्षण दिया जाता है, शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उस प्रशिक्षण जब अगर बजरंग दल का चल रहा है, या बजरंग दल की शाखा चल रही है, या बजरंग दल का कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, तो उस स्थिति में थोड़ी सी समय की आपको पाबंदी है। अगर प्रशिक्षण चल रहा है तो आपको प्रशिक्षण में थोड़ी जाना पड़ेगा, जो समय बजरंग के शाखा के द्वारा नियत किया जाएगा उस समय में आपको थोड़ी सी जाना पड़ेगा, प्रशिक्षण में आपको वहां पे प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तो उस समय पे थोड़ी सी आपको समय की पाबंदी हो सकती है, अन्यथा समय की किसी भी तरीके से कोई पाबंदी नहीं है। उसके साथ आगे अगर ऐसी कोई घटना होती है, जैसे मान लीजिए कि बजरंग दल किसके लिए बना है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और अन्य ऐसी कोई हिंदू धर्म के खिलाफ घटनाएं घटित होती है तो उसमें बजरंग दल सक्रिय रहता है। तो अगर ऐसी कोई घटनाएं घटित होती हैं, कहीं पर भी ऐसी घटना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको थोड़ी सी समय की पाबंदी हो जाती है कि इसमें आपको रहना ही रहना है और आपको वहां पे जाना है। इसी के साथ मान लीजिए कि कोई त्यौहार चल रहे हैं, कोई रैलियां चल रही हैं, या कोई ऐसी बैठक चल रही है, तो उस स्थिति में अगर बजरंग दल के द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इस समय से इस समय तक आपको बैठना है या रहना है या आपको जाना है, तो थोड़ी सी समय की एक तरीके से आपको थोड़ी पाबंदी हो जाती है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको रहना होगा, या इस समय पर इतनी रैलियां हैं तो आपको यहां पर आना पड़ेगा, या ये मीटिंग है तो आपको आना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पाबंदियां हैं, अन्यथा आपको यह नहीं है कि 10 से 5 बजे तक रहना हो। यानी 100 बात की एक बात है कि अगर प्रशिक्षण चल रहा है, त्यौहार है, रैलियां हैं, मीटिंग है, या बजरंग दल के द्वारा आसपास बजरंग दल की जहां शाखा है उसके आसपास कोई घटना घटित हुई है, या हिंदू धर्म के खिलाफ लव जिहाद, धर्म परिवर्तन या गौहत्या के खिलाफ कोई मामला आया है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा समय बजरंग दल को देना पड़ता है, अन्यथा आपको 10 से 5 बजे तक ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं जहां पर बजरंग दल में आपको रहना पड़े। तो यह है पूरी चीजें। उसके साथ एक उपाय भी होता है कि जैसे आप बजरंग दल में जैसे ही आप जुड़ते हैं तो उसमें आपको एक ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप में जब आप जुड़ जाते हैं तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई घटना घटित हो रही है, कोई चीज हो रही है, कोई ऐसी चीजें मीटिंग होनी है, तो उस ग्रुप में एक पर्टिकुलर मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि ये मीटिंग या ये घटना हो रही है, तो इस जगह पे हम लोगों को सबको जाना है, या यहाँ पे आना है, या मीटिंग करना है, या इस चीज की तैयारी करनी है, तो आप सभी को इतने बजे तक पहुंचना है। तो मान लीजिए कि आप अगर वहां पर रोज डेली नहीं भी जा रहे हैं तो अगर वो मैसेज आए और उसको देखे और उसके बाद आपको वहां पर पहुंचना रहता है, और इन तमाम प्रकार की चीजों में थोड़ी आपको मैंडेटरी रहता है कि वहां पर पहुंचना ही पहुंचना होगा, अन्यथा आपको वहां से बर्खास्त किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा और आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, आपको जब भी ऐसी कोई घटना घटित होती है या कोई ऐसा काम रहता है तो आपको कॉन्टैक्ट में सूचित कर दिया जाता है कि ये चीज़ें यहाँ पर घटित हुई है, हम सबको वहाँ पर चलना है, तो आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको बजरंग दल में समय देना होता है, और अन्यथा आपको 10 से 4 बजे तक समय नहीं देना होता है, या एक पर्टिकुलर टाइम नहीं कि 7 घंटे 8 घंटे देना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपके डाउट जो भी थे उसका क्लियर हो रहा होगा कि बजरंग दल में हमको कितना समय देना होगा।
एक बार और बता देते हैं कि अगर आपका त्यौहार हो, कोई प्रशिक्षण हो या कोई रैलियाँ हो या मीटिंग हो, उस स्थिति में आपको बजरंग दल में जाकर समय देना होगा और आपने काम करना होगा। उसके बाद आप अपने समय के अनुसार सुबह अगर खाली हैं तो आप बजरंग दल के जा सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या कैसी प्रोसेसिंग है। शाम को जब आप अपने ड्यूटी से आ जाते हैं तब जाके आप बजरंग दल की शाखा में विजिट कर सकते हैं, क्या चल रही है, क्या कैसी प्रोसेसिंग है, हमको कुछ काम तो नहीं करना है। ये तमाम प्रकार के इस तरीके से आप जुड़ के काम कर सकते हैं, अन्यथा आपको एक तरीके से 10 से 5 वाली कोई भी प्रोसेसिंग नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। अगर आपका डाउट सही रहा या किसी भी तरीके से कोई अच्छी तरीके से डाउट रहा उस पर भी वीडियो बना देंगे, अन्यथा आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अगर इसी से रिलेटेड और तमाम प्रकार के कोई भी डाउट हो आपको बजरंग दल RSS BHP ABBP से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आपका इंस्टाग्राम में लिंक है हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं। अभी लेते हैं आपसे अगले वीडियो में, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।